हेलो एवरीवन, जय साई राम। कैसे हो आप लोग? आप सोच रहे होंगे ये मैं स्टार्टिंग में आपको क्या दिखा रही हूँ पूजा का, तो दीदी अभी कर रही है पूजा की तैयारी, तो यही मैं आपको दिखा रही थी। तो देखिए अभी आप मुझे देख रहे हो पूड़ी बेलते हुए, तो मैं मम्मी की हेल्प कर रही थी। पूड़ी मतलब मम्मी पूड़ी तल रही है तो मैं हेल्प कर रही थी, पूड़ी बेल के देने की बेल भी नहीं रही हूँ मैं, मशीन से ही जस्ट प्रेस कर रही हूँ। तो देखिए आगे तो देखिए यहाँ गर्मा गर्म पूरी तली जा रही है जो कि मम्मी तल रही थी आपने देख। तो मम्मी की पूरी तल के हो चुकी है। अब दीदी यहाँ पे पूजा जब भी तैयारी कर रही थी, अभी ये पूजा करने बैठी तो ये किताब पढ़ रही है। तो चलिए हम तब तक करते हैं बच्चों के बैठने की तैयारी। तो देखिए यहाँ पे हम बैठने का इंतज़ाम कर रहे थे, सारे बच्चे हेल्प भी कर रहे थे और काफ़ी सारे बच्चे आए हुए थे जो बहुत इंजॉय भी कर रहे थे। उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब भी घर पे का मतलब भोजन का कुछ रहता है तो वो लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि आज आंटी क्या खाना खाने जाना है। तो देखिए ये तब तो आपको पता चल गया होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया तो आपने देख ही लिया होगा कि किस चीज़ की पूजा चल रही है। तो जी हाँ, आज दीदी उद्यापन कर रही है वैभव लक्ष्मी का, तो जस्ट उसी की पूजा चल रही है। तो आप अभी देख ही रहे हो किस तरीके से तैयारी चल रही है। तो देखिए अभी ये बैठने का इंतजाम तो हो गया है, अब दीदी की आरती भी शुरू हो चुकी है। तो चलिए वहाँ पे अभी दीदी की पूजा भी ख़त्म हो गई है, आरती भी हो चुकी है। तो देखा आपने मैं कैसे शंख बजा रही थी। तो अभी ऑलमोस्ट पूजा हो चुकी है, तो चलिए अब मैं निवेद निकाल लेती हूँ। तो देखिए मैंने निवेद भी निकाल लिया था, तो प्लेटिंग करके रखी हुई थी, तो जिसमें आप देख लो अभी कि क्या बना हुआ था। इसमें बना था छोले आलू, बना था कढ़ी खीर और जीरा राइस, बना था पूड़ी बनी थी और ये फ्रैंक्स बोलते हैं ऐसे फिंगर जो भी होगा वो हेलो बना हुआ एवरीवन, था। वेलकम बैक टू माय चैनल माय फैशन एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आपको स्पेशल डे विथ स्पेशल व्लॉग बताने वाली हूँ, जिसमें है आज मेरे घर पे पूजा लक्ष्मी जी की। तो वही मैं छोटा सा क्लिप आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने अभी तक व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, इसलिए मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग और फिर आपको दिखाऊंगी कि मेरे घर पे कितनी सारी कन्याएं लोग आई हुई है और वो खाना ही खा रही है, तो वो सब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। उसके पहले तो आपने देख ही लिया होगा कि मैंने जो शेयर किया था, तो मैंने स्टार्ट नहीं किया था, सो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये कंटिन्यू मैं करती हूँ और आपको दिखाते जाऊँगी कि इसके बाद और क्या क्या होने वाला है। तो अभी जस्ट खाना खिला रहे हैं बच्चे लोग को, देन उसके बाद की मैं सारी प्रोसेस आप लोग को दिखाऊँगी। और ठीक है, आगे बताती हूँ और क्या है। तो देखिए यहाँ पे सारे बच चुके हैं, देन दीदी उन सबका पैर धो रही थी और मैं पैर पोछने का काम कर रही थी। तो ऐसे मतलब कन्या जब खिलाते हैं तो सबको बिठा के उनके पैर धो के उनकी पैर पोछ के मतलब सारी सेवा करनी पड़ती है, जो जिससे ब्लेसिंग्स मिलती है माता जी की तरफ से। तो देख मतलब वो लोग इतने अच्छे से बैठ के खाना खा रहे थे, और ये मतलब नौ कन्या का खाना नहीं बोल सकते हैं। दीदी ने उद्यापन किया था, उद्यापन का उसने बोला था कि वो खाना खिलाएंगी बच्चों को, तो जस्ट वो वही कर रही है, खाना खिला रही है। और इसमें सारी मेहनत मम्मी और दीदी की है। मैं तो देखा आपने यहाँ पे दीदी को कॉम्प्लीमेंट्री भी मिल रहा था कि खाना बहुत टेस्टी बना है और बहुत अच्छे से ये लोग एंजॉय करके खाना खा रहे थे और बहुत खुश थे ये लोग, मतलब देख के बहुत अच्छा लग रहा था। कि अब ये खाना शुरू है सब बच्चों लोग का, सब बैठे हैं बहुत आराम से कंफर्टेबल बैठे हुए हैं और सब लोग अभी खाना खा रहे हैं। मैंने थोड़ी सी मेहनत करी, बाकी मेहनत सारी दीदी और मम्मी ने करी है, तो जस्ट अभी वही शुरू है। देखिए आप लोग सब हाय। तो देखिए अब बच्चे लोग का खाना हो चुका है, एक एक करके सब उठने जा रहे हैं और इसमें मम्मी सबका हाथ धुला रही थी और दीदी सबका देख रही थी और हम सब इनकी सेवा में लगे हुए थे सारे के सारे।
सारे बच्चों का खाना हो गया है अब तक। दीदी सबको किताब बांट रही है, जो मतलब उपवास रखते हैं तो उपवास में उद्यापन के समय जैसे जो भी हो रहता है उसके हिसाब से बच्चों लोग को किताब बांटा जाता है। तो दीदी अब वही कर रही थी, सबको किताब बांट रही थी और सबसे आशीर्वाद ले रही थी बहुत अच्छे तरीके से। तो देख के सारे लोग, फिर हम लोग एक एक करके इन लोग का आशीर्वाद लेंगे। खाना वाना तो सब हो गया था, तो बच्चे लोग की फरमाइश थी कि उनको डांस करना था। तो देखिए अब बच्चे लोग कैसे डांस करने के लिए एक्साइटेड थे और डांस कर रहे थे। तो देखिए इनका डांस, तो देखिए इन लोग की सारी मस्ती हो गई थी। मस्ती करने के बाद उनका डांस वांस हो गया, अब वो अपने अपने घर चले गए हैं। और जितना भी जो पसारा फैला हुआ था उसको समेटने का काम कर रही हूँ मैं। आवाज़ बैठ गई है मेरी, तो बहुत थक गए थे हम, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो देखिए अब पूरी साफ़ सफाई करने के बाद पूरा बेड वगैरह साफ़ किया है, झाड़ू लगाया और ये सब क्लीनिंग अभी करे। क्लीनिंग करने के बाद हम लोग भी खाना खाने बैठेंगे। और सच बताओ फ्रेंड्स, ये सारी मेहनत मम्मी और दीदी की है, सारा खाना मम्मी और दीदी ने बनाया था, मैंने सिर्फ पूड़ी बेलने का काम किया है। तो चलिए अब थाली लग चुकी है, मुझे ये सब प्रेजेंट करके खाना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग भी खाना खाने बैठ गए, फिर साफ़ सफाई करने के बाद बच्चों लोग का भी खाना आराम से हो गया था। तो मम्मी और नानी दीदी से बात कर रहे थे, सेकंड सिस्टर से जो बिलासपुर में रहती है उसका कॉल आ रहा था और हम लोग बिज़ी थे तो बात नहीं कर पाए थे, तो इसलिए उससे बात हो रही है। और सच में बताऊँ खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा दीदी और मम्मी ने इसे बनाया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। एक्चुअली बताओ ये वीडियो के लिए ना बहुत माथा पच्ची हो गई थी, बहुत एडिटिंग करना पड़ रहा था इसको, बहुत ज़्यादा एडिटिंग करना पड़ा है। तो जैसे तैसे ये क्लिप अभी कंप्लीट हुई है जो आपके सामने अभी प्रेजेंट हो रही है। मुझे ये प्रेजेंट करना ही था एक्चुअली, आपको बताना था कि देखिए किस तरीके से हम लोग मतलब पूजा करते हैं, किस तरीके से मतलब बोला जाता है ना, एक मतलब वर्ड नहीं है अभी बताने के लिए। सो आई होप आपको अच्छी लगी होंगी ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।